ग्राफिक डिज़ाइनर, आप सभी का स्वागत है इस ब्रांड न्यू एक्साइटिंग ट्यूटोरियल में। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं फेक लाइट लीक्स। अगर आप चाहते हो लाइट लीक प्रैक्टिकली वाली अपनी फुटेज पे यूज़ करना, तो अगर आप वो डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। 500 के अराउंड लाइट लीक बनाई हुई है हमने प्रैक्टिकली, तो जाइए indiater.com पे और डाउनलोड कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, तो चलिए आफ्टर इफेक्ट की ओर और हम देखते हैं लाइट लीक कैसे बना सकते हैं फेक तरीके से। तो हम इस वक्त अपने आफ्टर इफेक्ट पर है एंड नाउ हम क्रिएट करते हैं एक न्यू सॉलिड यूज़ करेंगे हम। और यहाँ पे हम सॉलिड का साइज जितनी हमारी फुटेज है हम इतना रखेंगे 1920x1080 एंड ओके। तो नाउ अब हम एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर जो कि है 4 color gradient। तो जो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 4 color gradient एंड हमारे यहाँ पर 4 color gradient के नाम से मिल गया हमको। एंड नाउ अब हमें करना क्या है कि हमें जो कलर चाहिए जिस साइड में हमें उसको चाहिए, मतलब वो हमें रखना है। मैं अभी फ़िलहाल अपने लिए रखना चाहता हूँ यहाँ पर, मुझे ये ग्रीन नहीं चाहिए तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। एंड मेरे को ये पिंक वाला भी नहीं चाहिए और मेरे पास ये येलो है, इसको मैं कुछ कलर चेंज कर लेते हैं। मतलब आपको जैसा बेटर लगे अपनी फुटेज के ऊपर आप वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आप क्या चाहते हो, कैसी आपको कलर चाहिए, जिस टाइप का आप यहाँ पर ईजिली कर सकते हो। आई थिंक ये काफ़ी बड़ा सॉलिड है, आई थिंक हाँ ये इसलिए प्रॉब्लम हो रही। तो कुछ नहीं करना, ये बड़ा सॉलिड क्रिएट कर लिया हमने। तो हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे। मतलब किसको भी वीडियो अगर आपके सामने ऐसी हो तो इसको आपको अपने कॉम के अंदर फिट करना होता है एरिया के अंदर, स्क्रीन के अंदर। तो आप यहाँ पर जाइए, ट्रांसफॉर्म के अंदर जाइए एंड यहाँ से फिट टू कॉम आएगा। कोई भी फुटेज कुछ भी हो तो ये आपके यहाँ फिट हो जाएगी, ठीक है ना। और जो ब्लू कलर है मैं इसको थोड़ा लाइट कर लेता हूँ। ओके कूल। तो अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर लाइट लीक के अंदर क्या होता है, लाइट ऐसे चलती रहती है स्क्रीन के आगे, हमारे कैमरे के आगे। तो हमें ऐसे ही करना, मतलब अब हमें इसको करना क्या है कि हमें इस ब्लैक सॉलिड के ऊपर जाना है। फर्स्ट हम इसको स्क्रीन कर देते हैं पहले, तो यहाँ पर हम इसको स्क्रीन कर देते हैं, ठीक है। और अभी प्रीव्यू के लिए मैं इसे नॉर्मली कर देता हूँ, बाद में हम स्क्रीन कर लेंगे इसको। स्क्रीन के अंदर ये होता है जो ब्लैक होता है वो ट्रांसपेरेंट में वो चला जाता है और जो कलर या अलग कलर होता है वो हमारा विजिबल होता है वीडियो के ऊपर। तो ब्लैक कलर हमारा, तो स्क्रीन करने से काफ़ी फायदा होता है। अगर आप चाहो तो और भी कुछ करके देख सकते हो अपने वीडियो के अकॉर्डिंगली। तो नाउ अभी हमें इसको एनिमेट करना, अभी जस्ट स्टिल है लाइट्स तो अभी फेल नहीं हो रहा, तो हम इसको एनिमेट करते हैं। तो एनिमेट करने के लिए हम जाएंगे इसके अंदर प्रॉपर्टी में, इफेक्ट के अंदर जाएंगे यहाँ से। एंड क्योंकि अब हम यहाँ पे देखें ना एक्सप्रेशन, अगर आप चाहे तो 1:1 जा कर के भी इनको एनिमेट कर सकते हैं। आप यहाँ से एनिमेट कर सकते हैं, सॉरी ब्लैक वाला था, सॉरी ये वाला, आप यहाँ से भी एनिमेट कर सकते हैं सर 1:1 जा कर के। बट एक्सप्रेशन बेस्ट होते हैं बिकॉज उसे बार बार एनिमेट करने नहीं होता आप लोगों को, या मतलब सॉरी हम लोगों को बार बार एनिमेट नहीं करना होता उसको। तो हम नॉर्मली एक बार देंगे सिर्फ एक्सप्रेशन और वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो अभी हम यहाँ पर यूज़ यहाँ पर इफेक्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ हम पोजीशन एंड कलर के अंदर जाएंगे। तो हमें यहाँ पर ये कलर जो इफेक्ट है वो सब यहाँ पे पैनल ओपन हो जाएगा अंदर हमारे टाइमलाइन के अंदर। और हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास पार्ट, हम ब्लू वाला एनिमेट करते हैं पहले, तो ये ब्लू वाले के पॉइंट है और ये नीचे कलर है। अगर हम अभी हमें इसका पोजीशन, मतलब पोजीशन अप एंड डाउन रोटेशन वो इसका एनिमेट करना, तो हम यहाँ से इसके पॉइंट को एनिमेट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से ऑल्ट प्रेस करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे टाइप करेंगे विगल, WIGGLE विगल ब्रैकेट, ठीक है। एंड अब यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रिक्वेंसी 1, एरो लगाएंगे
और हम यहाँ पर हमें कितना टाइम चाहिए, 1000 का राउंड चाहिए मेरे को, एंड ब्रैकेट ऑफ करेंगे और लास्ट में हम लगाएंगे सेमी कोलम, ठीक है, एंड यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। और अब आप देखोगे तो ये एनिमेट हो रहा होगा, यहाँ पे काफ़ी कूल तरीके से एनिमेट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि इस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर टाइम रखा है, यहाँ पर सेकेंड इसका वन, और ये फ्रिक्वेंसी रखी है यहाँ पर कि कितनी टाइम कितनी दूरी के अंदर मुझे चाहिए 1000, एंड यहाँ पर टाइम वन, मतलब यहाँ पर ये टाइम, अगर मैं इसको यहाँ पर दो कर देता हूँ तो ये बहुत फास्ट फास्ट होगा। तो डिपेंड है आपके ऊपर आप कितना तेज चाहते हो, बट मेरे को ये काफ़ी अच्छा लग रहा है वन पे, तो कूल। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको और भी वैल्यू दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरीके से हम येलो वाले को भी करते हैं, तो येलो वाले के वैल्यू पॉइंट ऊपर है, तो ठीक है, ओल्ट प्रेस करेंगे। जैसे हम यहाँ से इसको सेम कॉपी कर लेते हैं सेम, और यहाँ पे कंट्रोल वी मार्क करते हैं, ठीक है, एंड दोनों इस वक्त एनिमेट होने शुरू हो गए। अगर आप देखो तो ये इन्फिनिटी है, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा कोडिंग का, मतलब जो एक्सप्रेशन होता है वो यूज़ करना काफ़ी अच्छा होता है, आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। और अब हम यहाँ पर इसको स्क्रीन कर देते हैं, ठीक है, और अब आप देखो तो काफ़ी कूल फील हो रहा है हमारे यहाँ पर। क्या उसका कलर भी और भी चेंज कर सकते हो, और भी कलर यूज़ करके देख सकते हो। वैसे अगर आप यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको काफ़ी और भी कुछ यूज़ कर सकते हैं, इसमें डार्क कलर स्क्रीन मैंने किया, और इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली आप क्या चाहते हो, और अगर हम इसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अभी हम यहाँ पे इफेक्ट पैनल में जाके नॉइज सर्च करेंगे, उस फिल्टर को नॉइज सर्च करेंगे और फिर इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, देन हम इसको थोड़ा स्केल अप करते हैं। तो हम यहाँ ट्रांसफॉर्म के अंदर जाएंगे, स्केल में जाएंगे और इसका थोड़ा सा हम इसका साइज अप करेंगे, ठीक है, और हम यहाँ से इसको थोड़ा और कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे, इसकी ब्राइटनेस थोड़ा आप करेंगे, ठीक है, ज्यादा हो गया, ठीक है। और अब हम इसको थोड़ा नीचे जाएंगे तो हमको यहाँ पर और ऑप्शंस भी मिलते हैं, यहाँ से हम जाके इसको ब्रांडिंग मोड में जा करके स्क्रीन या मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई काफी कूल लग रहा है। और थोड़ा इसको हम थर्ड कर लेते हैं फिर क्वालिटी को, तो अगर हम चाहते कि कुछ और डिफरेंट तरीके का बनाने के लिए तो हम दूसरे तरीके से और भी कुछ नया कर सकते हैं, तो जस्ट मैं वो यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ नया। डायरेक्टली हमने नॉर्मल बना ही लिया हमने विदाउट टर्बुलेंट के भी ये कूल लग रही है, और अगर हम टर्बुलेंट नॉइज डालते हैं तो हम इसके अंदर और क्या नया कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा इसके साथ खेल के देखते हैं, हम ये काफी सही है, थोड़ा सा इसको और या दैट्स गुड, और यहाँ से हम इसको स्क्रीन कर नाउ विगर। तो इस वक्त हमारा लाइट लेके इफेक्ट तैयार है, अगर आप चाहते हो कुछ और तरीके से इसको सीधा तौर पे प्ले करके कुछ नया और भी बना सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको ओरिजिनल अप्लाई करके दिखाता हूँ लाइट लेक जो हमारे प्रैक्टिकली लाइट लेक है। तो मैं यहाँ पर कुछ लाइट लेक दिखाता हूँ, काफी सारे लाइट लेक्स है अगर मैं आपको देखूँ, ये रियल लाइट लेंस जो बनाए हुए हैं, ठीक है,
और हमारे पास और भी काफी कुछ बहुत 500 का राउंड है, तो आई थिंक हम सब काफी साइड लाइट लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। और हाँ प्लीज, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट, डाउनलोड कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट है बाय 500 के अराउंड लाइट लेक्स फॉर आफ्टर इफेक्ट प्रीमियर प्रो। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर यूज कीजिए इन सबको, लाइट लेक्स को, बस स्क्रीन ब्लेंडिंग यूज को यूज करते थे। तो बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आपके दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को।